रुक जा गुलशन। अरे 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 सुनिए, ऐसे कैसे हाँ? गुल्लू के पट्टे क्या लगा था तुझे? सुमन जी अकेली हैं, देख उनके साथ कौन खड़ा है। ये तीर्थ मित्तल उनके साथ खड़ा है, सिर्फ आज नहीं हमेशा, आखिरी सांस तक। अरे वाह नेता वाह, क्या बात है। देख रहे हो भाई लोग, यही है मित्तल नमकीन का मालिक, इसी की वजह से हुआ सारा कांड। और इसे कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी। ए नेता, तेरी ये नेतागिरी यहाँ चलेगी का? आज मैं अपने सराफा वालों को इंसाफ मिला के रहूंगा। नेताजी क्यों भाइयों? चंद्रकांत को पकड़ने पुलिस आ जाती है और सुमन और तीर्थ के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर भाई सब कुछ ठीक चल रहा था, हमने देख ही लिया था किस तरीके से चंद्रकांत मान भी जाते हैं कि चलो सुमन अपना ठेला लगा लेगी। और सुमन भी बहुत बड़ी चाल चलती है, यहाँ पर नाम ही चेंज कर देती है अपनी चाट भंडार का। वो सुमन इंदौरी से सुमन इंदौरी मित्तल चाट भंडार कर देती है, और जिसकी बात से तीर्थ को थोड़ा सा बुरा लगता है। वो समझाता भी है कि भाई तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी एक अपनी इंडिपेंडेंट डिग्निटी है ना सुमन, और तुम अगर मित्तल का नाम जोड़ दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुमन कुछ नहीं मानती है और इसी बात को लेकर चंद्रकांत बहुत खुश हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई उनके जो अब नमकीन की सेल है वो बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सुमन ने कह दिया है कि जो भी बिक्री होगी उसका 15% आपको मिलेगा ही, और हर जगह से मिलेगा, क्योंकि सुमन जो है इस अपने चाट भंडार को ना बहुत जगह फैलाने वाली है। जो सराफा गली है उसके अलावा भी वो पूरी फ्रेंचाइजी बनाना चाहती है। भाई बहुत इंप्रेशन में आ गए चंद्रकांत, लेकिन यहाँ पर देविका अलग ही चाल चल रही है। अब देविका ने तो सोच लिया किसी तरीके से बदला लेना है, क्योंकि यहाँ पर उसको सुमन तक तो ठीक था, तीर्थ तक भी ठीक था, लेकिन चंद्रकांत उसको ऐसे धोखा दे देंगे की उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर उसको लग रहा था कि भाई चंद्रकांत उसे बहुत कुछ मानते हैं, और यहाँ पर भाई वो अपनी बड़ी बहू मानते हैं, बहुत प्यार भी करती है, लेकिन अचानक से सुमन आ जाती है और वो सुमन का साथ देने लगते हैं सिर्फ थोड़े से लालच के लिए। तो यहाँ पर भाई अब देविका छोड़ने वाली नहीं है, और देविका यहाँ पर किसी तरीके से बहुत बड़ा हंगामा करेगी, कुछ ऐसा मिलावट कर देगी कि यहाँ पर फूड पॉइजनिंग हो जाएगी काफी सारे लोगों को, और पुलिस आ जाएगी चंद्रकांत को पकड़ने के लिए। भाई सारा इल्जाम तो चंद्रकांत के ऊपर ही जाएगा ना, क्योंकि कर्ता धर्ता तो वही है, उनके नाम पर ही है सारा बिजनेस। लेकिन यहाँ पर जैसी पुलिस आएगी ना, देविका अपना एक नया ड्रामा स्टार्ट कर देगी, और देविका बोलेगी नहीं इनको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, मुझे करिए, क्योंकि सारा जो बिजनेस है ना, जितने सिग्नेचर्स वगैरह हैं, वो सब पापा जी ने लास्ट ईयर मेरे नाम कर दिए थे। ठीक है, इस तरीके से खेल कर रही है कि किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि उसने सारी हरकत की, और सारा इल्जाम लगने वाला है सुमन पर।